अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल व्लॉग विद आयशा एंड नीलम। फ्रेंड्स कैसे हैं आप? यकीनन आप लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स जैसे ही मेरा कोई भी ड्रेस आता है, फ़ौरन मेरा दिल करता है कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, या स्टिच होकर आता है तब तो बहुत ही ज़्यादा दिल करता है। फ्रेंड्स ये मेरा ड्रेस स्टिच होकर आ गया है और बहुत ही कलरफुल सा ये ड्रेस मेरा तैयार हो चुका है। देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए इसका बेस कलर जो सा है वो ऑफ वाइट है और ग्रीन और येलो के कम्बिनेशन के साथ ये ड्रेस है। फ्रेंड्स ये देखें, इसकी नेक लाइन आपको नज़र आ रही होगी और इस पर ये मैंने कलरफुल से ही बटन लगाए हैं। जितने इसके सर्कल थे उतने बटन लगाए हैं और ये जो सी है ये भी इन नेक लाइन पर एक छोटी सी पट्टी लगाई है। फ्रेंड्स ये सफ़ायर का ड्रेस है जो कुछ दिन पहले आया था, फिर मैंने आपके साथ शेयर किया था। अब स्टिच होने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसकी लुक कैसी आई है। फ्रेंड्स इस ड्रेस पर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग की है जो कि आपको नज़र आ रही होगी। ये देखिए, ये जो इसका एक बॉर्डर था यहाँ पर इसको कली की तरह डाला और साथ जो सा है पाइपिंग लेस लगा कर ये सारी शर्ट का दूसरा पीस अलग प्रोमिनेंट कर दिया गया। ये देखिए, और ये जो मैंने एक अलग से कली डाली है ये बिल्कुल सीधी रखी है और शर्ट का वहाँ से जो अगला वाला पीस था उसको गोल कर दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इस पर रिंग्स लगाए हैं। रिंग्स की वीडियो पहले मैं एक बना चुकी हूँ, उसको अगर देखना चाहें अगर आप, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। रिंग्स बनाना बहुत आसान है। ये देखिए जितने शर्ट में कलर्स थे उतने ही कलर की बारीक ऊन लेकर ढेर सारे रिंग्स तैयार किए, ये देखिए, और इस शर्ट पर लगा दिए, जिसकी वजह से ये शर्ट बहुत ही यूनिक सी लगने शुरू हो गई है। ये देखिए यहाँ से इसको गोल रखा गया है, यहाँ तक गोला है, उसके बाद आगे से ये बिल्कुल वापस सीधा कर दिया है। और ये देखिए रिंग्स आपको नज़र आ रहे होंगे, शर्ट पे जितने कलर्स हैं वो सारे कलर के रिंग्स बनाए हैं, कोई छोटा कोई बड़ा, इस तरह से अलग अलग साइज में। ये देखिए ये सबसे बड़ा रिंग है, इसके बाद छोटा, उससे छोटा, ये इसके बाजू बिल्कुल सिंपल से हैं, बाजुओं पर कोई रिंग नहीं लगाए। ये देखिए चेक वाले यहाँ पे ये बाजू हैं इसके, बैक साइड बिल्कुल सिंपल है, उस पर ज़्यादा कोई डिज़ाइन नहीं बनाया गया है, सिंपल सा पीछे गोल गला है और पीछे साइड वाला दामन भी सादा ही बिल्कुल रखा गया है, उसको कहीं से कोई गोल या इस तरह कुछ नहीं रखा, बिल्कुल सादा। ये पहले ही बहुत कलरफुल सी शर्ट थी, अब रिंग्स से और ज़्यादा कलरफुल बन गई है। ये देखिए और ग्रीन कलर जो शलवार का कपड़ा था उसकी यहाँ पर पाइपिंग की, और पाइपिंग को भी यहाँ पर सिलाई नहीं लगाई बल्कि तुरपाई कर दिया गया, क्योंकि सिलाई लगाने के बाद सिलाई आगे से नज़र आ रही होती है, फिर ड्रेस इतना प्यारा सा नहीं लगता। ये देखिए और ये इसकी स्लीव्स, इसका भी नीचे से ऐसे कपड़ा लगा दिया गया है और उसको भी पाइपिंग कर दिया है। और ये है इसका ट्राउज़र जो कि ग्रीन कलर का है, इस पर भी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग की है, जो ढेर सारे बॉर्डर्स थे उसमें से एक बॉर्डर लेकर इसको शलवार पर या ट्राउज़र पर यहाँ पर नीचे लगा दिया। और यहाँ पर रिंग्स लगाना काफ़ी मुश्किल था, इसलिए ग्रीन कलर की ही सर्कल कटिंग करके उसको यहाँ पर लगा लिया। ये देखिए इसका ट्राउजर, थोड़ा सा स्ट्रेट ट्राउजर बनाया है। ये देखिए यह है इसका दुपट्टा, दुपट्टा और शर्ट एक जैसे हैं लेकिन दुपट्टे पर भी मैंने रिंग्स लगाए हैं और वो भी डिफरेंट साइज़ के लगाए हैं। और रिंग्स बनाना बहुत आसान है, कभी भी आप आराम से घर में बैठकर फारिग वक्त में टीवी देखते हुए या
बातें करते हुए आराम से आप ये रिंग्स तैयार कर सकते हैं। ये कोई बड़ा छोटा डिफरेंट साइज के ये ढेर सारे रिंग्स हैं, ये देखिए। और ये कलरफुल सा दुपट्टा जो से है रिंग्स के साथ, देखिए किस कदर खूबसूरत लग रहा है। जब आप लोग ये रिंग्स या इस तरह की कोई वीडियो वगैरह बनाएं या अपना कोई ड्रेस वगैरह तैयार करें तो मुझे इनबॉक्स ज़रूर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आपने इसको देखकर कुछ बनाया। ये देखिए मेरे ड्रेस की ओवरऑल लुक, ओके मेरे फ्रेंड्स, अगर मेरा ये ड्रेस पसंद आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।